जय हिंद दोस्तों। स्मॉल कैप की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एनालिसिस करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। उसके पहले एक अपडेट, हमारा चैनल आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले 5 जनवरी 2021 को हमने शुरुआत की थी और आज हमारा चैनल 417 सब्सक्राइबर से बड़ा हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं जो भी माध्यम से, और डेली बेसिस पे बढ़िया सी वीडियोस आपको मिलते रहेगी। और ज्यादा अगर डिटेल में आपको जाना है तो प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स जो अच्छे हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है, मिड कैप शेयर्स जो काफी बढ़िया है उनकी एक प्लेलिस्ट है, स्मॉल कैप शेयर्स की भी प्लेलिस्ट है, और साथ में जो फंडामेंटली और टेक्निकली पेनी स्टॉक्स से जो टर्न अराउंड स्टोरीज है, या ऐसी कंपनियां जो लॉस से प्रॉफिट में आई है, या ऐसी कंपनियां जिनका लॉस कम हुआ है पिछले साल, ऐसे पेनी स्टॉक्स की प्लेलिस्ट है। तो अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो प्लीज जाइए, देखिए, सीखिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए और फिर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को लीजिए। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स आज उसके बारे में बात करेंगे। स्मॉल कैप का शेयर है, चलिए देखते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी का मार्केट कैप 4,600 करोड़ के आसपास, शेयर की पीई 11 और फेस वैल्यू है शेयर की 10, और कर्ज कंपनी के कंपनी पे कितना है वो है 0। जी हाँ, ऐसी कंपनियां आपकी नजर में सबसे पहले आनी चाहिए जिसका कर्ज जो है 0 हो। शेयर का 52 वीक लो और एक इम्पोर्टेंट बेस 164, जी हाँ 164, और 52 वीक हाई 242, और आज के सेशन का लो 226 और हाई 235, और स्टॉक अभी 228 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो ऐसी कर्ज मुक्त कंपनियां होती है उन पे सबसे पहला नजर बनाए रखनी होती है, हमें वॉच लिस्ट में होना जरूरी है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा 84.83%, पब्लिक यानी रिटेल निवेशकों के पास 13.33%, और DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 1.22%, और FIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेश यानी कि माफ कीजिएगा FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास 0.62%। और प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो पिछले साल के अंत अंत के लगभग ही दिवाली के आसपास इसका आईपीओ आया था और तब से होल्डिंग 84.83%, ओके, और प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। अब थोड़ा सा डीप में जाएंगे फाइनेंशियल्स में तो हम देखेंगे कि कंपनी जो है नंबर्स पॉजिटिव है, हर साल रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है और जो प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव है, लाइक स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, स्टेबल है। तो अब हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, और उसके पहले मैं और एक चीज बता दूं, कंपनी कर्ज मुक्त है, यह मैंने और एक वेबसाइट पर चेक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोरिंग सेक्शन में। जी हाँ, कंपनी सच में कर्ज मुक्त है। तो कुछ कुछ वेबसाइट्स पे डाटा अलग दिखता है बट नहीं, ये मैंने 2 अलग वेबसाइट्स पे जाके चेक किया है, कंपनी जो है वो सच में कर्ज मुक्त है। अब हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे, उसके पहले कुछ एप्स और वेबसाइट्स आपके लिए, प्लीज जाइए, रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, A to Z सारी चीजें जान लीजिए और फिर आपके ट्रेडिंग डिसीजन को अंजाम दीजिए। तो ये है चार्ट पैटर्न्स डेली बेसिस पे। स्टॉक जो लिस्ट हुआ था, जैसे मैंने कहा था पिछले साल के अंत के लगभग दिवाली के आसपास अक्टूबर महीने में आईपीओ आया था और 217 रुपए का हाई स्टॉक ने लगाया था, और फिर स्टॉक ने वन वे फॉल, फिर धीरे धीरे स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों की चाल को अगर समझे तो स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट अपना जो सपोर्ट बना लिया है वो है ये। बड़े बड़े करेक्शन आए थे पर स्टॉक जो है उसने अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल था 200 रुपए का, उसको स्टॉक ने नहीं तोड़ा। जी हाँ, 200 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको स्टॉक ने पिछले दिनों नहीं तोड़ा है। इसे आप खरीदारी का लेवल भी मान सकते हैं, इसके आसपास स्टॉक मिले तो आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये एक ही लेवल है 200। अगर किसी कारण और बड़ी गिरावट आती है तो जो दूसरा लेवल है वो है 164। जी हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बेस है पिछले दिनों का, स्टॉक इसके नीचे नहीं गया है। जी हाँ, आज तक इस बेस के नीचे नहीं गया है। सो 165, 166 ये एक लेवल है, इसके नीचे स्टॉक नहीं गया है। मुझे तो 200 के नीचे भी जाता हुआ स्टॉक नहीं दिखता है क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक इतना स्ट्रांग है। अब हम बात करेंगे दूसरी संभावना, दूसरी पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि स्टॉक जो है शायद यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाए कुछ इस तरह। ओके, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो कहाँ निकलेगा, और जो ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है पिछले दिनों का आप देख सकते हैं वो था 235। जी हाँ, 235 एक रेजिस्टेंस था, और स्टॉक ने
11 फरवरी 2021 को एक नया हाई बनाया था और वो था 242 का। जी हाँ 242 आप देख सकते हैं यहाँ पे 242, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसलिए मैं इसे हरा कलर देने वाला हूँ 242। और स्टॉक जो है पिछले 3 सेशन में उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। जी हाँ 242 243 और वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ निकल रहा है स्टॉक। और एग्जैक्टली देखे तो स्टॉक जो है अपनी यहाँ पे एक पैटर्न को जो है कंप्लीट कर चुका है, देख सकते हैं पैटर्न कंप्लीट हो गई है और स्टॉक जो है अपनी नई पैटर्न में निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी संभावना बन रही है। या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ऐसी कुछ संभावना है जिसके बारे में हमने बात कर ली है। सो तीनों ही संभावनाओं पर डिस्कशन हो गया है। यहाँ पे अब चीज जो रह गई है वो है कि 242 ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर स्टॉक निकलता है, मार्केट तेजी में बना रहता है, तो आने वाले दिनों में जो टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं वो है 255 से लेके 270। जी हाँ 255 से लेके 270 ये टारगेट जो है बहुत ही कंजर्वेटिव है। जी हाँ मैं बहुत ही मिनिमम लेकिन सबसे कम से कम ये लेवल्स मान के चल रहा हूँ, ये कम से कम ये लेवल्स जो है देखने मिलने वाले हैं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हो कि नजर बनाए रखे ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग है और साथ में कर्ज मुक्त है। जी हाँ सबसे बड़ी बात स्टॉक जो है वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, ऐसे स्टॉक पे नजर बनाए रखनी है। तो ऊपर के लेवल्स की बात हमने कर ली, नीचे के लेवल्स की बात कर ली, रेंज बाउंड भी हो सकता है एंड किस तरह से ऊपर निकल सकता है वो भी हमने देख लिया है। एक पैटर्न जो है स्टॉक ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहने के लिए। और पूरी कोशिश होती है कि 6 से 8 मिनट के दरमियान ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दी जाए वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको अपने निवेश या ट्रेडिंग के लिए पूरी मदद मिले और पूरी नॉलेज मिले। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।